नमस्कार, आपका स्वागत है गोंदिया न्यूज अपडेट पर। मैं हूं सुशील कुमार। शुरुआत करते हैं आज से बड़ी खबरों के साथ। ये महाराष्ट्र सरकार का जो निर्णय है, इसमें जो उन्होंने अभी तक मंदिरों के द्वार बंद करे, हिंदुओं का सब्र टूट रहा है। और ऐसा नहीं कि सब्र का बांध भी अब बहुत अति अब नाक के ऊपर से जाने लग गया। जब कोरोना काल की बात आई तो पूरे हिंदू समाज ने सहयोग किया और पूरे पालन किया, लेकिन दुख हमको तब हुआ जब गांव के बियर बार के द्वार खुल गए। और जब मंदिर के द्वार की बात आई तो मंदिर के द्वारों को खोला नहीं जा रहा है। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, शक्ति के उपासक है हिंदू समाज, उसके बावजूद आज सरकार ने हमारे मंदिर को खोलने की परमिशन नहीं दी। हम चाहते ये पूछना चाहते हैं क्यों ऐसा, क्या हो गया? मार्केट खुल गए, बाजार खुल गए, माल खुल गए, टाकीजें खुल गई, लेकिन हमारे मंदिरों के द्वार को क्यों नहीं खोला? बियर बार के द्वार को आपने खोल दिया, लेकिन मंदिर के द्वार को आपने तो क्यों बंद करा है? इसका कारण क्या है? ये लेकिन उसके बाद बता नहीं रहे, लेकिन इसका हम कुछ मालूम नहीं पड़ता है कारण है। लेकिन हम चाहते सरकार को जब हम सब्र नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप हमारे मंदिर के द्वार खुला चाहिए। अगर आप अगर हमारे ईद का आंदोलन से तो बाजा बजाओ सरकार जगाओ से, अगर आप तब भी नहीं जागोगे तो आने वाला कार्यक्रम हमारा खुद मंदिर के ताले तोड़कर हम अब मंदिर का आज भजन दल के द्वारा संपूर्ण विदर्भ प्रांत में ढोल बजाओ तथा महाआरती का आयोजन किया गया है। सरकार को चेतावनी है, सरकार समझ जाए, अल्लाह से एक हो चुका है, पर हिंदू धर्मों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो अब सहन नहीं किया जाएगा। पालघर में संतों के ऊपर जो हत्या की गई उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। सीबीआई मांग हिंदू समाज कर रही पर उसकी जांच पूरी नहीं कर रहे, ये सरकार समझ जाए। दारू भट्टी खुली हुई है, पब बियर बार खोला जा रहा है, पर हिंदुओं के धर्म स्थलों को ना खोल करके सरकार जो मंशा दिखा रही है हिंदू विरोधी, उसके लिए सरकार को चेतावनी दी जाती है बजरंग दल के द्वारा कि आने वाले समय में बजरंग दल के द्वारा संपूर्ण हिंदू समाज के द्वारा एक फिर वो आंदोलन होगा। और सरकार अपने आप को सजग कर ले कि ज़्यादा दिन की सरकार नहीं है। जिस दिन हिंदू ने अपना मनसा बना ली उस दिन सरकार पलट कर देश में हिंदू में सरकार फिर से आएंगी, महाराष्ट्र में हिंदू में सरकार फिर से आएंगी। इसलिए सरकार को वो निवेदन किया जाता है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को खोला जाए। जिस तरीके से आपने पब और बियर बार को खोला है उसी तरीके से मंदिर को खोला जाए। इतना बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गोंदिया जिला द्वारा पूरे महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा घंटानंद आंदोलन का आयोजन किया गया है। ढोल वाजवा अधिक महाराष्ट्र सरकार जागवा। एक समय एक स्थान माने दोपहर 4 बजे पूरे महाराष्ट्र में बजरंग दल द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया है। आज हम देख रहे हैं कि अपने महाराष्ट्र में सरकार ने तरह तरह के जो जिम को परमिशन दी, जिम खुल गई, दारू दुकान खुल गई, बियर बार खुल गई, डांस बार खुल गई, हर तरीके से जो भी समाज में जो देश भाव फैलाने का जो काम ये सरकार कर रही है, जो नहीं हो रहा था वो सब खुलने के बाद। और जब धर्म की बात आती है तो बड़े दुख और चिंता का विषय है कि हमारे हिंदुओं के मंदिर जो हमारे आस्था के प्रमुख केंद्र है, तो बड़े हमको दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारे भगवान एक मंदिर में बंद पड़े हुए हैं।
तो कहीं ना कहीं बजरंग दल द्वारा जो आज महाआरती का आयोजन किया गया है, तो सरकार को चेतावनी है बजरंग दल की कि जल्द से जल्द हमारे मंदिर खोले जाए, नहीं तो बजरंग दल द्वारा एक भव्य रूप से आंदोलन किया जाएगा और इसकी पूरी जवाबदारी राज्य सरकार की रहेगी। ऐसा मैं बोलते हुए यही मांग करूंगा कि जल्द से जल्द हमारे मंदिर खुले और हिंदुओं की जो भावना आहत हुई है वो ना हो। जय श्री राम। जय श्री राम।